दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। सबसे पहले बात करें यहाँ पे जो बैठक के लिए चयन आयोग में जो है बनने लगी है कामकाज की रूपरेखा, मतलब जो एग्जाम जो अटका हुआ था यूपी टीजीटी पीजीटी का, और साथ में जो है आपका देखा हुआ राजकीय इंटर कॉलेज वाले जितने भी हैं वो तो आपको लोकसभा आयोग से आएंगे, पर यहाँ पे बताया गया इसमें जो है कि चयन बोर्ड से यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है ना, इसका इंटर कॉलेज में क्लर्क भर्ती, सब कामकाज इसके बाद ही शुरू हो पाएंगे। ठीक है, तो बैठक वगैरह होती रही है और यहाँ पर होती रहेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें जो है उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चयन आयोग की जो है कार्यवाहक अध्यक्ष जो है एमपी अग्रवाल की मौजूदगी में जो है 8 मई को आयोग को लेकर जो है बैठक हुई, तैयारी तेज कर दी गई है और जो है कामकाज गति देने के लिए यहाँ पर अधिकारियों से नियुक्ति यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्यवाहक फिलहाल यहाँ पर जो है ये तो उसको लेकर अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं अध्यक्ष और सदस्य के अधिकारियों की बैठक की व्यवस्था पूरी कर ली गई। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ब्यौरा यहाँ पर जो है वो दे दिया गया है। ये बात करें यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, आप सभी जानते हैं यूपीपीएससी की तरफ से यहाँ पे जो है सीधी भर्ती के जो है 52 मई पर जो है 52 पदों पर मई के तीसरे सप्ताह में वो इंटरव्यू कराया जाएगा। मतलब कहने मतलब क्या है, जो सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था यहाँ पर जो है उसका जो इंटरव्यू आपका जो है मई के तीसरे सप्ताह में यहाँ पर वो कराया जाएगा। ये जो है बात करते हैं यहाँ पर जो मेरा दर्द बेरोजगारों को आगे कुछ भी नहीं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको तेजस्वी यादव जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरा दर्द बेरोजगार के आगे कुछ भी नहीं है। सही बात है, बेरोजगार बेचारे परेशान है, नौकरी मिलनी नहीं है, है ना, कमेंट कीजिएगा। वास्तव में जो है यही चल रहा है, इसमें जो पलायन हो रहा है यहाँ पे जो बेरोजगारी बहुत है, और जहाँ पे बताया गया मेरा दर्द महसूस नहीं हो रहा पर उनका बेरोजगारों का दर्द महसूस हो रहा, तो वही चीज़ तो कह रहे हैं ये इलेक्शन का वादा है यहाँ पर जो है ये। बात करें यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जो है प्रवेश परीक्षा आज से कराई जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो अगर आपने दाखिला वगैरह नहीं लिया तो आप ले लीजिए। बात करें यहाँ पे लखनऊ से खबर यहाँ पे आ चुकी है, लखनऊ से यहाँ पर जो है बीएड के लिए जो आवेदन शुरू, डी फार्मा मेरिट से एडमिशन प्रवेश आपका होगा, एडमिशन से होगा, यहाँ पर जो है मेरिट वेब सिलेक्शन होगा इसमें। बात करें यहाँ जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो है बैठक यहाँ पर बताया गया, इसमें जो है कि ये मैंने आपसे बोला कितनी बार बोला है कि भाई यहाँ पे देखो 16 मई 2024 को ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। यार ऑनलाइन इंटरव्यू में कौन सी आफत आ रही है, आप ऑनलाइन इंटरव्यू घर बैठ के इंटरव्यू देंगे, गूगल मीट आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा घर, है ना। तो ये बात करूँ इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 12th पास वाली भर्ती के लिए यहाँ पर जो बताइए, इसमें जो है कैंडिडेट आपका ऑनलाइन होगा, जब ऑनलाइन इंटरव्यू होगा कहीं जाने का नहीं कहीं आने का नहीं, तो काय को टेंशन ले रहे हैं भाई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जो है सब डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना के यहाँ पर सेंड कर देनी, यहाँ पर जो आपको सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और इसमें जो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है यहाँ पर देख लीजिए, जिसकी एज लिमिट की बात करेंगे 18 से 35 साल अगर आपने एज लिमिट कर रखा है तो उसके अंदर फॉर्म जरूर डालिएगा। यहाँ पर जो वैकेंसी इसमें चल रही है लेबर की, ठीक है, 12th पास आपने कर रखा होगा, 12th पास लेबर के पदों पर वैकेंसी चल रही है, सैलरी 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं और ये वैकेंसी जो निकाली गई आपका जो है ये आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ वैकेंसी आ चुकी है, और रिसर्च वाले भी इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं आप, रिसर्च के लिए भी वैकेंसी चल रही है यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वैकेंसी आ चुकी है, आपका हवाई अड्डे का नाम सुनाई होगा आपने, जो है यहाँ पर ये इसके जो सेंटर आएंगे आपका जो आगरा है, गोरखपुर है, कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज, बनारस, ये सब परीक्षा केंद्र रहेंगे यहाँ पर जो है ये। और एयरपोर्ट की तरफ से वैकेंसी इसमें आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर जो है ये है ना इसके अंतर्गत ये वैकेंसी चल रही है। और यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो महत्वपूर्ण तिथि की बात करेंगे यहाँ पर जो है ये अभी 22 मई 2024 की लास्ट डेट, अगर अपना फॉर्म नहीं भरा भर दीजिएगा। और यहाँ पर पद का नाम यहाँ दिया हो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, ठीक है, यहाँ पर 12th पास वाले को इसमें वैकेंसी इसमें आ चुकी है। और इसकी एज लिमिट की बात करेंगे 18 से 30 वर्ष इसमें एज लिमिट है, यहाँ पर जो है 1,074 पदों पर वैकेंसी, यहाँ पर जो है 25,000 से लेकर 35,000 इसमें सैलरी यहाँ पर बताई गई, ठीक है, महिला पुरुष में दोनों आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। और पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर आप ये विजन को देख सकते हैं यहाँ पर जो है। अब भैया बहुत से ऐसे होंगे वो कहेंगे भैया आवेदन कैसे करना है, ये तो मुझे बताइए, आवेदन यहाँ से करना है, ठीक है, ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये दे रखी है, आप यहाँ पे जाकर ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 22 मई 2024 की लास्ट डेट आप याद रखिएगा, है ना, और रात 12 बजे तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं 22 मई तक, ठीक है। ऑफिशियल मेरा आपसे जो है वेबसाइट दे रखी है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन भी इसमें कराया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है। मैंने आपसे कितनी बार बोला कि यार नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से हाँ वैकेंसी आ चुकी है नॉन टीचिंग पदों पर, मैथ हेल्पर है, आपको रसोईया है, सब कुछ है, यहाँ पर 7 मई 2024 में चल रही है वैकेंसी, ठीक है, और 1,377 पदों पर वैकेंसी चल रही है। ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये दे रखी है, यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। और ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी यहाँ पर जो है ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर नॉन टीचिंग के कौन कौन से पद होते हैं पता नहीं आपको, जो पढ़ाते नहीं है, टीचिंग वाले पढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये टीचिंग वाले जो पदों पर वैकेंसी निकाली गई आपका, जो मैथ हेल्पर हो गया, रसोईया, चौकीदार, चपरासी, प्योन है ना, स्वीपर है ये, तो ये सब जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं नवोदय विद्यालय में, वहाँ पर यहाँ पर जो है ये बताया गया है इसमें जो है।
एक बार आपको मैं और याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर जो है ये 4,660 पदों पर जो है बहाली कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए। मैंने इसमें बोला कि इसमें आवेदन चल रहे हैं, अगर अपना फॉर्म नहीं भरा, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी जो है वो लास्ट डेट की बात करेंगे यहाँ पर 14 मई 2024, इस महीने की 14 तारीख तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर 10th पास अगर आपने कर रखा तो ही इसके अंदर फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म ना भरें। 10th वाले वीडियो देखा करें यहाँ पर जो है ये। बात करें आयु सीमा की, आयु सीमा है 18 से 28 साल, इसमें जो एज लिमिट बताई गई यहाँ पर आवेदन शुल्क यहाँ पर देख लीजिए है ना, आवेदन कैसे करना है, ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये देखिए, यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर जो है। बात करें यहाँ संसदीय राज भाषा समिति के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी चल रही है, यहाँ पर जो अनुभाग के अंदर अधिकारी वैकेंसी 11 जून इसकी लास्ट डेट, यहाँ पर देख ले 23 पदों पर वैकेंसी इसमें आ चुकी है यहाँ पर जो है ये। बहुत सारे भैया इसके अंदर फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये रखी है, यहाँ पर जाकर वाला फॉर्म भर सकते हैं 11 जून 2024 की लास्ट डेट रखी है। सैलरी की बात करेंगे यहाँ पर 5,200 से लेकर यहाँ 34,800 रुपये सैलरी इसमें दी जाएगी। अंतिम तिथि आप याद रखिए यहाँ पर जो है ये। एक वैकेंसी और चल रही है ना, ये ऐसी बात नहीं, क्लर्क वैकेंसी देख लीजिए यहाँ पर जो है ये 9 मई 2024 में जो है इसकी लास्ट डेट है ये। 410 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो है ये, ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये देखिए, यहाँ पर जाकर यहाँ पूरा फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर जो है। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये देख लीजिए यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पर जो है। बात करें यहाँ पर कमेंटों की और, तो कमेंट यहाँ पर देखो आप कहाँ से हैं, यहाँ पर बताया गया ऐसी कहाँ है, ठीक है, तो बता देंगे ये अलग वैकेंसी आती रहती है यहाँ पर जो इटावा से, ये देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने कमेंट किया भाई इटावा से मिलने आएंगे यहाँ पर जो है ये, तो आप आ जाइए यहाँ पर जो इटावा में जो है, मैं डबरे के पास में आ जाऊँगा, ठीक है, सुखाबाद इटावा के आसपास ही जो भी है आप देख लीजिए यहाँ पर जो इटावा कहाँ है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो सुखाबाद फिरोजाबाद के आस पास डबरे है वहीं पर मैं आऊँगा यहाँ पर घूमने के लिए। बात करें यहाँ पे और कमेंट की और, तो ये बता रहे हैं सर जो है संबल डिस्ट्रिक्ट में जो है परिचारक के जो है ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, मैंने आपको बताया, थोड़ा सब्र रखिएगा, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे पहले पहले अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि मतलब वैकेंसी जो है वो निकलने वाली है और यहाँ पे कब अपडेट है। और ऐसी बात नहीं, बहुत से कहते कमेंट सर आप रिप्लाई नहीं करते, मैं कमेंट का A to Z रिप्लाई करता हूँ, आप कभी देखा तो करिएगा, पर्सनल भी रिप्लाई करता हूँ वैसे भी रिप्लाई करता हूँ, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर जो है ये देख लीजिए ओल्ड क्लर्क भर्ती कम्प्लीट हो जाएगी, थोड़ा सब्र रखिएगा भाई, सरकारी काम में आप सभी जानते लेट आप काम जो लेट लतीफ हो ही जाता है, यहाँ पर जो है ये वही चीज़ इसके अंदर बताई गई यहाँ पर जो है ये। बात करें यहाँ पर जो इस तरीके से यहाँ सरकारी स्कूल में चपरासी भर्ती कब तक आई 2024 में, सरकारी वाली वैकेंसी तो देखो भाई सरकारी इसमें भाई चपरासी एडॉक वाली चल रही है आप सभी जानते हैं, इटावा और रैया कन्नौज यहाँ से, और आपको गौड़ाबस्ती बहराइच में है ना, मुरादाबाद संभल बिजनौर यहाँ पर जो वैकेंसी हो चुकी हैं, केवल ज्वाइनिंग भी हो चुका है, अब केवल और केवल अब इनका जो है ज्वाइन लेटर जारी होगा, तो मतलब कहने मतलब कुछ का इंटरव्यू हो चुका आपको कुछ का रह गया, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ वैकेंसी बहुत जल्दी इसमें आएगी, तो मैं आपको बता दूँगा, मैं तो चाह रहा हूँ सरकारी वैकेंसी आ जाए, भी आपको सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, यहाँ पर जो ये एक नौकरी मिल जाएगी आपको, ठीक है, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं यहाँ पर जो ये। अगर चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के प्लस, थैंक यू वेरी मच।